देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 134 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2549 तक पहुंच गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामलों में 3722 की बढ़त हुई है और 134 मौतें देश भर से हुई है। देश भर में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 78,003 है। इसके अलावा 26,234 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और एक मरीज देश से बाहर जा चुका है। लगातार पूरे देश भर से यहां पर आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 134 मौतें देश भर से दर्ज की गई। बेहद ये डरावना अब संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 78,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं इस वायरस के चलते। 78,003 फिलहाल संक्रमित लोगों की संख्या पूरे देश भर से। 2549 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। देश में 26,235 वो लोग हैं, वो संख्या बताई जा रही है, जो कि इलाज के बाद रिकवर हुए, जो कि राहत की बात यकीनन है। लेकिन देश भर में अभी भी कोरोना वायरस ने अपना प्रकोप दिखाना कम नहीं किया है। लगातार जो चुनौतियों का दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है देश के सामने। 26,235 राहत की बात कि इतने लोग अभी तक इस वायरस से उबर चुके हैं। एक व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि देश से बाहर भी चला गया है रिकवर होने के बाद में। 78,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 78,003 वो संख्या जो फिलहाल संक्रमित। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, जो दायरा है चुनौतियों का वो बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 134 मौतें, बेहद भयावह स्थिति प्रीत। जी बिल्कुल जेपी, 134 मौत हो गई है पिछले 24 घंटे में और 3722 नए मामले आए हैं 24 घंटे में। 58,000 से ऊपर जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पहुंच चुके हैं देश भर में। ऐसे में लगातार आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि तमाम जो वर्ग हैं उनको राहत दी जाएगी, कल 30 लाख करोड़ के पैकेज में से लगभग 7 लाख करोड़ का ऐलान किया गया था कि जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, घरेलू उद्योग है, तमाम लोगों को लोन लेने की सुविधा दी जाएगी 3 लाख करोड़ तक। और ये भी कहा जाए कि जिस तरीके से गारंटी की पहले बात की जाती थी तो अब अक्टूबर तक किसी भी तरीके की बिना गारंटी के ये लोन दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। आज भी वित्त मंत्री की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें किसानों को लेकर, आम लोगों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जैसे प्रीत, एक और चीज है, पूरा जो पैकेज कल बताया गया, उसका जो प्रथम चरण कल डिस्कस किया गया, उसमें पूरे पैकेज में उद्योगों का ऋण सबसे बड़ा 15% हिस्सा है। इसके अलावा रियल स्टेट को भी आगे बढ़ाने की यहाँ पर पुरजोर कोशिश और कवायद की जा रही है। पहला चरण जो है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, सूक्ष्म, लघु और मझोले जो उद्योग है उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर की जा रही है। साथ ही में कोलेट्रल फ्री यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। और आज जो बताया जा रहा है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें किसानों के लिए यहाँ पर घोषणाएं कुछ हो सकती है प्रीत। जी बिल्कुल जी, जिस तरीके से 45 लाख उद्यमी जो है देश भर में उनको ये फायदा मिलेगा। ऐसे जो वर्ग हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनका जो 24% PF है वो भी सरकार की ओर से भरा जाएगा। यानी कि जो पूरा ऐलान किया गया, चाहे वो TDS और TCS में 25% कटौती की बात हो, जिससे मार्केट में जो लिक्विडिटी है 50 करोड़ रुपए तक जो है मार्केट में पैसा आ जाएगा, लोगों को लोन लेने की सुविधा होगी, लोगों को पैसा अधिक जेब में आएगा। ऐसे में आज कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं केंद्र सरकार की ओर से। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये कहा जा रहा है कि आम वर्ग
जिस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि वो किसान, वो मजदूर जो कि अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और ये जो राहत पैकेज का ऐलान है ये राज्य सरकारों को दिया जाएगा ताकि आम लोगों तक पहुंचाया जाए, यानी कि डायरेक्ट जो मजदूर के हाथ में पैसा वो अब तक देने की बात ऐलान जो है वो नहीं की गई है। ऐसे में आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मजदूरों के लिए, किसानों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत।